महाराष्ट्र के मुंबई के घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर अपना दुख जताया। इस हादसे की चपेट में 88 लोग आ गए थे और इनमें से 74 घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। इससे पहले घाटकोपर इलाके में धूल भरी आंधी और बारिश के दौरान एक पेट्रोल पंप पर 100 फुट लंबा अवैध होर्डिंग गिर गया और वडाला इलाके में भी तेज हवाओं के दौरान निर्माणाधीन मेटल पार्किंग टावर सड़क पर गिर गया। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक घाटकोपर में गिरा एक होर्डिंग, ये जो होर्डिंग गिरा ये अवैध था और बीएमसी अधिकारियों ने ये भी बताया कि होर्डिंग का जो आकार था वो 120 फुट था और उन्होंने ये भी बताया कि 40x40 फुट से अधिक आकार की होर्डिंग लगाने की अनुमति ही नहीं है। एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि घाटकोपर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने और लोगों की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने ईगो मीडिया के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या, 338 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना और 337 यानी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना, इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देर शाम घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना के बाद इस घटनास्थल का दौरा किया और मुंबई शहर में सभी होर्डिंग्स के ढांचों की लेखा परीक्षा का आदेश दे दिया है। वहीं होर्डिंग गिरने से मारे गए हरेक शख्स के परिजन को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की भी घोषणा कर दी है। घाटकोपर में हुए हादसे के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के मुलुंड क्षेत्र में अपनी चुनावी रैली को भी रद्द कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दे दिए हैं। घाटकोपर में हुए इस हादसे के मामले में बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने रेलवे और विज्ञापन कंपनी ईगो मीडिया के खिलाफ केस तो दर्ज किया ही है, साथ ही ये भी कहा कि रेलवे और विज्ञापन कंपनी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। उधर सेंट्रल रेलवे के अधिकारी स्वप्निल नीला का कहना है कि जिस जमीन पर यह होर्डिंग लगाई गई थी वो जमीन सेंट्रल रेलवे की नहीं बल्कि राजकीय रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी की है। मुंबई के घाटकोपर, बांद्रा कुर्ला, धारावी इलाके में बारिश के साथ तेज हवाएं कल चली और मुंबई हवाई अड्डे पर हवाई सेवाओं का संचालन अस्थायी रूप से रोका गया। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने भी बताया कि तूफान के दौरान 15 उड़ानों में बदलाव किया गया और इसके बाद शाम 5:03 पर हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हो पाया। दरअसल मुंबई हवाई अड्डे पर बीते हफ्ते प्री मॉनसून रनवे के रखरखाव का काम भी किया गया था और इस वजह से उड़ानों के समय रहते संचालित किया गया। और उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तूफान की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान के साथ साथ कई जगह बिजली भी गिर सकती है और इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, इसके अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये पहले तो रेस्क्यू करना जरूरी है और रेस्क्यू टीम यहाँ काम कर रही है। लगभग 57 लोगों को बाहर निकाला है, वो राजावाड़ी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, उनके ऊपर उपचार शुरू है और रेस्क्यू टीम और भी कई गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई है, उनको निकालना ये हमारी प्रायोरिटी है। और जो भी क्रेन है, हाइड्रा है, सब यहाँ पर लगाया और अभी जो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, जो विदाउट लाइसेंस विदाउट परमिशन है उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की भी सूचना की। घायल जो है उनका पूरा उपचार जो है गवर्नमेंट करेगी, जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन देखिए ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए मैंने महापालिका आयुक्त, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस को सूचना दी हुई है कि यह तत्काल इसका स्पेशल ऑडिट हो, जैसे कि रिट समय पहले आपने भी पत्र दिया है, तो जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थिति है उनके ऊपर कार्रवाई। मूल रूप से जिस प्रकार का ये होर्डिंग था और उसमें किस प्रकार की परमिशन उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी, ये सारी चीजों की अब जांच होगी और विशेष रूप से इतना बड़ा होर्डिंग जब लगता है
तो विंड स्पीड का कोई स्टडी किया था, उसके बारे में कोई विचार किया था कि नहीं किया था, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और आवश्यकता होगी तो एक प्रकार से इसमें सदोष लोगों को मारने का जो एक गुनाह है वो भी हम लोग दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर केयरलेसनेस हमको यहां पर दिखाई पड़ी तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को छोड़ने का कारण नहीं है। इस प्रकार से आम आदमी का जीवन एक प्रकार से उसको धोखे में डालना ये बहुत गलत बात है, तो इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात के आदेश दिए हैं कि पूरे मुंबई में जो बड़े होर्डिंग्स है उसका एक प्रकार से ऑडिट कल से बीएमसी शुरू करेगी, क्योंकि अभी ये ध्यान में आया है कि बेमौसम जिस प्रकार से तेज हवाएं और तूफानी हवाएं चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार का एक मौसम का जो बदलाव है इसके कारण भी एक खतरा खड़ा हुआ है और ये आज घटना हुई, ऐसी घटनाएं हो सकती है, इसके मद्देनजर इस प्रकार का खतरा कहाँ का है उसको ढूंढकर उसको उससे पहले मिटिगेट करना ये भी एक प्राथमिकता हमारी होगी, हम उसका प्रयास करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।